10 जुलाई 2022 को नीलेश की हेल्थ अपडेट बुलेटिन ये है कि हम सभी के लिए राहत भरी खबर है कि नीलेश पहले से अब बेटर है। उसको जब बोलो तो वो हूँ हाँ करके बोलना शुरू कर रहा है और हल्की हल्की आंखें खोलना शुरू कर रहा है। कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि कुछ रीज़न था, तबीयत मेरी खुद की ख़राब हो गई थी, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है इसलिए नहीं बना पाया था। अब मैं लगातार आपको फिर से शाम को 6 से 10 के बीच में अपडेट दूंगा। आप सभी लोगों का सहयोग अब ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारा नीलेश अब जल्द ही अपने बीच में होगा। बहुत तेज़ी से वो रिकवर अब हो जाएगा क्योंकि हल्का हल्का उसने आंखें खोलना शुरू कर दिया है, मूव करना शुरू कर दिया है, उसका हार्ट बीट सही है, पल्स सही है, SpO2 मतलब ऑक्सीजन सही चल रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और अपन बोलो तो हल्का सा बोलने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब बच्चा हमारा जल्द ही ठीक हो जाएगा। और हम ये सोच सकते हैं कि 6 7 8 दिन लगभग वो ICU में भी और रहेगा, सिम्स में एडमिट है नागपुर में। आप लोग सभी लोग अब सहयोग जरूर करिए क्योंकि जो फंड आया हुआ था आप लोगों ने सपोर्ट किए हुए थे, उसका इलाज हम उससे करवा पा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग और ज़्यादा चाहिए क्योंकि अब उसका इलाज और अच्छे से हो रहा है और पैसा और ज़्यादा लगने वाला है। जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आप लोगों ने डोनेशन दिया है, आप जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था मेरे पास रिकॉर्ड है उसको मैं एक वीडियो में, जिन जिन लोगों ने टीम बनाकर काम किया है उस टीम के साथ में मैं उनके नाम सामने रखूँगा। तो आप धैर्य बनाए रखिए, चिंता नहीं करिए और आप सभी लोगों के साथ हमारी टीम खड़ी है। तो आप लोग धैर्य बनाइए और अब नीलेश जल्द हमारा ठीक हो जाएगा। उसके इलाज के लिए और जो बेहतर हो सके वो हम करवा रहे हैं, आप सपोर्ट करिए। मेरा फोन पे नंबर आपको पता है। अच्छा एक और बात, मुझे अभी भी कई लोग सिर्फ इसके लिए फ़ोन करते हैं कि भैया नीलेश से बात हुई, कैसा नीलेश है? भाई नीलेश से मेरी बात नहीं हुई, बात करी ना तो बात कैसे करूँगा। हाँ उसको देख रहे हैं, और आप सिर्फ इतने के लिए मुझे फ़ोन मत लगाइए कि नीलेश से बात हुई, नीलेश कैसा है। भैया इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्षमा चाहूँगा। मैं आपको कह दूंगा कि मैं शाम को 6 से 10 के बीच में डेली अपडेट देता हूँ तो मैं दूंगा। हाँ मुझे कोई जानकारी देना है, जैसे एक भैया ने मुझे कल बोला कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिसने एक्सीडेंट किया हुआ था वो व्यक्ति का नंबर, उस व्यक्ति का गांव, उसका डिटेल हमारे पास आ गई है। हम टीम बनाकर अब उसके पास जाने वाले हैं, जितना हो सके उससे भी हम पैसा लेंगे कि भैया आपने इसको ठोका हुआ है, आपके कारण एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसका भरपाई करिए। और आने वाले समय में आपको पता है कि अभी तो स्टार्ट हुआ है इलाज उसका, अब 4 5 6 महीने तक इलाज कौन करवाएगा? उसके मम्मी पापा तो इतने सक्षम है नहीं है कि वो अपना खुद का घर चला सके, तो इसके लिए घर वालों का कौन अपना व्यवस्था करेगा, गुजारा कौन करवाएगा? इसके लिए हम उसके बाद जाने वाले हैं जिनने ठोका हुआ है। तो जिनने मुझे जानकारी दिया था उनका धन्यवाद भैया का, और भी जो मुझे जानकारी देना चाहता है वो मुझे अपडेट करवाइए और हम लोग लगे हुए हैं सपोर्ट में, आप भी सपोर्ट करिए। आप मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोन ना करना कि भैया क्या हुआ है, कैसा चल रहा है। नीलेश रिकवर हो रहा है, जल्दी रिकवर हो जाएगा, अब चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है, डोनेशन आप करते रहिए। मेरा फ़ोन पे नंबर दिख रहा है 9407351643, सावित्री के नाम से आएगा। आप मुझे कंफर्म मत करिए कि सर किसका नाम से आ रहा है, नीलेश का है, ऊपर प्लस पॉइंट दिख रहा है, ग्वालियर सेंटर दिख रहा है, नाम और किसी का आ रहा है, ऐसे मुझे बहुत सारे के फ़ोन आते हैं। तो ये फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, पेटीएम नंबर, जिस पर करना चाहे सब एक ही नंबर में लगा हुआ है। आप इसमें इसी नंबर पे कॉल नहीं करेंगे मुझे, सिर्फ पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे आप करिए, ठीक है? आपको मैं जल्दी ही कल फिर और जानकारी दूंगा।